यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि पेरिवेयर लीनिया प्लस कंसील फ्लश टैंक का जो अंदर का पार्ट है कंसील पार्ट, उसको हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उसको सेट किया जाता है ताकि आप खुद से इसको कर सके सेट। ये देखिए, ये सारे इसके पार्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये पेरिवेयर कंपनी का है, लीनिया प्लस इसका ब्रांड नाम है। ये देखिए, ये जो है ये साइफन है, साइफन सेट है पूरा। ये साइफन सेट है, इससे अपने को जो पानी है इसके अंदर से ही फ्लश होता है। ये जो है ये बॉल कॉक है, ये बॉल कॉक दिया होता है कि पानी का एक लेवल पे आने के बाद ये अपने आप बंद कर देता है। ये है, ये लेवल है, ये आने के बाद ये सेट कर सकते हैं हम इसको। इसके लेवल तक पानी आने के बाद ये बंद कर देता है उसमें पानी, फिर उससे ऊपर नहीं आने देता। ये बॉल कॉक है। यह है, ये एंगल कॉक है, ये ऊपर से लगता है, ये एंगल कॉक है। ये हम ऑपरेट कर सकते हैं चालू बंद, समझो रिपेयर करना हो तो इसको हम बंद करके इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। ये एंगल कॉक है। बाकी ये सारे इसके अपर पार्ट हैं, हम इसको आपको एक एक पार्ट अंदर इंस्टॉल करके बताएंगे। ये देखिए, ये फ्लश टैंक है, इसको हमने खोल लिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए, सारे पार्ट्स हमने निकाल चुके हैं इसके अंदर के, यही है सारे पार्ट्स। अब हम इसको लगा के बताएंगे ये सारे पार्ट्स इसके अंदर किस तरह से लगते हैं। पहला पार्ट लगाएंगे साइफन। अब इसमें हम इसके अंदर जो पहला पार्ट लगाएंगे साइफन है, तो साइफन हम लगा रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये उसका, ये दो पार्ट में था साइफन को, क्योंकि ये लंबा होता है इसलिए उसको दो पार्ट में किया गया है, जिससे उसको इजीली निकाल के मेंटेनेंस कर सकें। अब ये देखिए, अब हम वो जो दूसरा पार्ट है उसको, वो जो ऊपर से इन्होंने पैकिंग दिया था इसी के लिए दिया था कि उसको खोल के हम लोग इसको ऊपर लेंगे तभी इसका पार्ट खुल सकता है, इसीलिए वो ऊपर पैकिंग दिया हुआ है। ये देखिए, इसको हम सेट कर रहे हैं उसके अंदर, उसके अंदर पुश कर देना, वो सेट हो जाएगा। और इसको हम लोग को खाँचे में बिठा देना है, उसके अंदर जो खाँचा दिया होता है उसके अंदर हम उसको बिठा देंगे। और ये इसके पीछे का पार्ट है, उसके अंदर सेट होता है, जिससे उसको इसको सपोर्ट मिलता है। इसका बैक का सपोर्ट है, साइफन का बैक सपोर्ट है, उसको भी पीछे खाँचा दिया उसमें अटका देंगे। साइफन अपना सेट हो चुका है, इसको बस खांचे में अटका देना है, इसको भी, इसका बैक साइड का भी खांचे में अटका देना है बस। अभी हम इसका बॉल कॉक इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, इसका बॉल कॉक है, इसको भी बस इसके खांचे, उसमें खांचा दिया हुआ है देखो साइड में, उसी में अटकाना है। देखिए, अब इसको अटकाएंगे। ये खाँचा दिया हुआ है, ये जो है आगे इसको दबाना है। देखिए, दबा के और उसके अंदर अटका देना खाँचे के अंदर। देखिए, ये बॉल कॉक भी अपना बैठ गया है। अभी हम इसका एंगल कॉक लगाएंगे, इसका एंगल कॉक, एंगल कॉक वाला। ये देखिए, इसका एंगल कॉक लगाएंगे हम लोग। इसको देखिए, ये देखिए, ये खाँचा दिया हुआ है, इसको हमको इसमें सेट कर देना है खाँचे में। देखिए, सेट हो चुका। हम लोग टी मार दिए हैं क्योंकि ऊपर से पॉइंट लेना है हमको, ऊपर से ब्रांच टी मारे हैं, जिसके वजह से ऊपर से इसका इनलेट पॉइंट है, वो ऊपर का इनलेट पॉइंट है, उधर से पानी आएगा। हम इसको देखो बॉल कॉक को एंगल कॉक में टाइट कर रहे हैं, इधर से ही पानी का इनलेट सर्कुलेशन होता है पूरे फ्लश टैंक के अंदर। चेक नट दे, उसको अच्छे से टाइट कर देना। देखिए, एंगल कॉक टाइट हो चुका है बॉल कॉक में। अब इसका ऊपर का जो पैकिंग है उसको भी हम टाइट कर देंगे, बस वो खाँचे के अंदर उसको बिठा के नीचे से उसका जो थ्रेड है वो टाइट कर देना है। टाइट हो चुका है वो। अब हम इसके सारे अपर पार्ट जो है लगा देंगे। ये सारे पार्ट जो है
फ्लश टैंक को दीवार के अंदर कंसील करने से पहले ये सब सेट करना पड़ता है, नहीं सेट हो तो सेट करना पड़ता है। एक्चुअली ये सेट आता है वहीं से, लेकिन मैं आपको इसके बारे में, इसके अंदर के सारे पार्ट्स दिखाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। ये खांचे के हिसाब से उसके अंदर इसको डाल के सेट कर देना है। ये देखिए लग चुका है, ये बैठ चुका है, इसी से फ्लश होगा। ये कंसील पार्ट है सारे, ये सब इसका और भी सब अपर पार्ट्स लगा दीजिए। इसके बाद हम इसको पैक कर देंगे। ये देखिए इसको भी इसमें अटकाना है खांचे में, बस ये भी अटक गया, दबा दबा के अटकाना है इसे दोनों साइड। अब हम इसको ये होकर ऊपर और रखिए, ये जो है इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए ये भी हो चुका है सेट अपना, अब ये दीवार में कैंसिल करने के लिए रेडी है। ये खांचा दिया हुआ ऊपर से, ये बाहर ही रहेगा पूरा खांचा। ये टाइलिंग के हिसाब से इसको कट कर दिया जाएगा और लास्ट में इसके ऊपर प्लेट बिठा दिया जाएगा। इस तरह से ये कैंसिल फ्लश टैंक का अंदर का पार्ट लगाया जाता है। अब ये कैंसिल करने के लिए रेडी है। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, देखने के लिए धन्यवाद।